अभी अभी हमको एक और खबर लग रही है श्री प्रणय रॉय के बारे में। ये प्रणव रॉय का कोई पुराना फोटो है, तब काफी कितने इनोसेंट लग रहे हैं आप देखिए। प्रणय रॉय और चिदंबरम में जो मिलकर जो सारा का सारा हवाले के अंदर एक दूसरे के साथ काम किया, उसमें जो सबसे बड़ी चीज जो सीबीआई हमको बता रही है कि एक प्रॉब्लम प्रणय रॉय के आगे खड़ा हो गया था कि वो जो 20 हवाले की कंपनियां थी 20, और जिसके लिए इन्होंने लोन लिया आईसीआईसीआई बैंक से, उनमें उनके लिए कंपल्शन थी, सीबीआई ने बोला प्रणय रॉय के साथ, कि वो डिटेल नहीं दे सकता था इन कंपनियों की। और आईसीआईसीआई बैंक वाले बोल रहे थे हम बिगर कंपनियों के आप इतना बड़ा लोन दे रहे हैं, हम कैसे दे सकते हैं आपको। तो चिदंबरम और पीसी क्या नाम है इसका प्रणय रॉय, इन्होंने कहा, प्रणय रॉय बोला मैं तो दे नहीं सकता, और आप मेरे को आपको ये पैसा दिलाना है। प्रणय रॉय ने चिदंबरम ने बोला आईसीआईसीआई बैंक को तुमको पैसा देना पड़ेगा, ये फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहा है बैंकों को, चाहे आपके पास डिटेल नहीं है कोई बात नहीं, इनको दे दो। और उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक में 19% रेट पर प्रणय रॉय को 19% इंटरेस्ट के रेट पे पैसा दिया। अब जो सबसे बड़ी चीज है, आपको इसमें एक सेंसेशनल चीज आपको और खोल रहा हूं मैं बैठकर, कि इन 20 सब्सिडरीज की बैलेंस शीट जो कंपलसरी है देने के लिए कंपनी लॉ डिपार्टमेंट में, उसको अटैच नहीं किया गया और यूपीए गवर्नमेंट में वो चला। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अलावा कंपनी लॉ डिपार्टमेंट भी इसमें इस स्कैम में इन्वॉल्व था। आई थिंक मनमोहन सिंह को जरूर नॉलेज होगी हर चीज की, एंड ही ऑल्सो हैज टू बी इंटरोगेटेड। जो प्रॉब्लम था कि आखिरकार ये प्रणय रॉय क्यों इन 20 कंपनियों का डिटेल बैलेंस शीट नहीं दे रहा था, सीबीआई कहती है कि लंदन शेल सब्सिडरी जो इनकी थी, जिसके अंदर दो महिलाएं थी, एक बरखा दत्त, एक सोनिया सिंह, और एक वो जो है उनका मैं नाम उस लड़के का भूलता हूं, वो जो मेन था जो स्टॉक मार्केट के अंदर डीलिंग कर रहा था, वो $310 मिलियन की जो लंदन शेल सब्सिडरी में जो आया था हवाले का नीदरलैंड से चलकर, जिस एड्रेस पर वो रजिस्टर्ड थी उस पे 3000 कंपनियां उसी एड्रेस के ऊपर रजिस्टर्ड थी। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो लंदन की शेल सब्सिडरी थी जिसको बरखा दत्त और सोनिया सिंह जिसकी डायरेक्टर थी, और एक मैं नाम भूल रहा हूं, एक उसका वो जो उसका इंचार्ज था, जो उसका मास्टरमाइंड था इनका स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट करने के अंदर, प्रॉब्लम प्रणय रॉय की और राधिका रॉय की ये बन रही थी बैठ के कि जो अगर हम इनके बैलेंस शीट दे देते तो कैसे बताएंगे कि उसी कंपनी में भी लंदन के अंदर 3000 कंपनी एड्रेस हैं, वहां पर रजिस्टर्ड है। लंदन कितना बड़ा सेंटर आप लगा सकते हो सारा का सारा फॉरेन सीरीज फंडिंग का, ये प्रॉब्लम आ रही थी। अगर वो एड्रेस दे दे, और आज भी उनको एड्रेस लेना चाहिए, ये 2000-3000 कंपनियां लंदन में, उसमें पता लगेगा कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस की वहां कंपनीज हो सकती हैं। थैंक यू।